रिवीजन हो जाएगी साथ साथ। सेक्शन 196 कितने पार्ट हैं? पांच। 196 का सबसेक्शन वन क्या कहता है? मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भी कंपनी में सेम टाइम पर नहीं हो सकते। ऐसी समरी आपको बनानी चाहिए यदि आपको सेक्शन, सबसेक्शन और उसके प्रोविजन को याद रखने हैं। तो फिर आप 196 सबसेक्शन 2 पर आ जाइए। मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को आप अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं कर सकते फॉर ए टेन्योर एक्सीडिंग 5 ईयर्स। मतलब उनका टेन्योर 5 साल या उससे ज्यादा के लिए हो सकता है। जब बात रीअपॉइंटमेंट की आ जाती है तो आप रीअपॉइंट कर पाएंगे 1 ईयर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, उससे पहले नहीं कर सकते। देन 196 सबसेक्शन 3 आ जाता है जो आपको कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की बातें बता जाता है और साथ में कंटिन्यूएशन वर्ड को भी यूज कर लेता है कि आप अपॉइंट नहीं हो सकते या आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसके अंदर आपके 4 सब क्लॉजेस आ गए थे। कौन कौन से थे वो सब क्लॉजेस? पहला सब क्लॉज था एज 21 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए बट 70 ईयर्स से कम होनी चाहिए, 70 ईयर्स से कम होनी चाहिए। हाउएवर यदि एज 70 ईयर्स से ज्यादा होती है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी क्यों आप इस अपॉइंटमेंट को करना चाहते हैं। हाउएवर यदि स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होता लेकिन वोट कास्ट इन फेवर वोट अगेंस्ट से ज्यादा है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर के इस 70 ईयर्स से ज्यादा वाले पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट को आप सेटिस्फाइड कर पाए कि ये आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल केस था। फिर इसका क्लॉज नंबर बी आ जाता है जिसमें कहा गया अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट एट एनी टाइम। सी क्लॉज आ जाता है यदि इसने एट एनी टाइम अपने किसी क्रेडिटर्स की पेमेंट में कोई सस्पेंशन की है, सस्पेंड की है पेमेंट को, डिले किया है या फिर इसने उसके साथ किसी भी तरह की कंपोजिशन की है। फिर इसका क्लॉज नंबर डी आ जाता है एट एनी टाइम यदि वो कन्विक्टेड हुआ है ऑफ एन ऑफेंस जिसके लिए इंप्रिजनमेंट हुई है फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ्स। फिर 196 सबसेक्शन 4 आ जाता है जिसमें अप्रूवल की बात हो गई। बोर्ड मीटिंग की अप्रूवल चाहिए, आपको जनरल मीटिंग की अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए आप फॉर्म नंबर MR2 को यूज करते हैं। कितने दिन में आप अप्लाई करेंगे? विद इन 90 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट। ये कहां लिखा गया है? ये सारी बातें लिखी गई हैं सेक्शन 201 एंड रूल नंबर 7 के अंदर। फिर दूसरी बात इसके अंदर आ गई नोटिस में, जो जनरल मीटिंग का नोटिस है या बोर्ड मीटिंग का नोटिस है उसमें टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन पेबल एंड सच अदर मैटर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, वो भी आप देंगे। फिर रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट की बात आ गई जिसमें रूल नंबर 3 आ गया MR1 में, रिटर्न जाएगी विद इन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। 196 सबसेक्शन 5 ये क्या कहता है? 196 सबसेक्शन 5 हमें प्रोविजन देता है कि यदि कंपनी की जनरल मीटिंग में अप्रूवल नहीं मिलती है तो कोई भी एक्ट जो इस मैनेजिंग डायरेक्टर ने, मैनेजर ने या होल टाइम डायरेक्टर ने किया था वो वैलिड होगा, वो वैलिड होगा। यही प्रोविजन आप इक्वली अप्लाई कर सकते हैं यदि CG की अप्रूवल नहीं मिलती है तो, जहां जहां पर रिक्वायर्ड थी। फिर इसके साथ हमने शेड्यूल 5 का पार्ट 1 भी कवर अप कर लिया जिसके अंदर 5 क्लॉज थे, उसको मैंने अभी आपको यहां पर समराइज करा दिया था। इसके साथ सेक्शन नंबर 196 हमारा खत्म हो जाता है।